एक छोटी सी वीडियो गुजरी आंखों के सामने से, और वैसे तो वो अपने आप में बड़ी इनसिग्निफिकेंट वीडियो है या बात है, लेकिन अगर आप उसकी परतें निकालने लग जाओ प्याज की तरह, तो आपको दिखता है कि कितने लेवल पे मिसअंडरस्टैंडिंग है आज के ज़माने में, इंटरनेट होते हुए, एजुकेशन सिस्टम होते हुए। वीडियो में करीना कपूर, जो कि एक बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, वो साउथ की एक एक्टर है, सलमान, दुलकर सलमान या समथिंग कुछ उनका नाम है, वो अपना नाम का एटिमोलॉजी शायद एक्सप्लेन कर रहे थे। एटिमोलॉजी होती है एक वर्ड की हिस्ट्री, की वो वर्ड कहाँ से आया है, एक्सप्लेन कर रहे थे। तो वो कि शायद इसका मतलब कुछ किंग या कुछ सुल्तान होता है, और सामने से वो बोलती हैं कि अरे जैसे कि तैमूर, जैसे कि कॉन्करर, जिसका मतलब जैसे कि कॉन्करर ही है वो। अब इस पे जिसने वो वीडियो डाली थी, जिन्होंने डाली थी, वो तो बता रहे थे कि कैसे इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई किया हुआ है। और एक ये बहुत बड़ा मुद्दा भी उठा था कि उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है, जिस पे कि लोगों ने काफ़ी कहा कि वो इन्वेडर था या ये था वो था। तो ये तो बात है एक सेलिब्रिटी के लेवल पे इग्नोरेंस का, जो हाल है उस चीज़ की। अपने बेटे का नाम उन्होंने जो भी रखना है, अच्छी बात है, उनकी चॉइस है, एज लॉन्ग एज उनको वो चॉइस पता हो कि वो क्या है। और अगर वो पता होने के बाद भी कर रहे हैं, तो फिर इस दुनिया में सब तरीके के इंसान हैं, और नाम रखने किसी भी नाम पे बैन नहीं है। आप हिटलर रख लो अपने बेटे का नाम, स्टालिन नाम के लोग आजकल तमिलनाडु में प्रधानमंत्री, और उनके बेटे भी बड़ी बड़ी पोजीशनों में हैं, और क्या कुछ बातें करते रहते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो चल रहा है बढ़िया इंडिया में, आई थिंक एटलीस्ट एक साइड के लिए। तो उससे भी ज़्यादा अफसोस जब हुआ जब कमेंट मैंने खोल के देखा, और कमेंट में लिखा हुआ था कि, तो वो उसने कहा था कि वॉरियर कॉन्करर ये वो, नीचे कमेंट में लोगों ने लिखा हुआ था कि अरे वो वॉरियर नहीं था, वो कॉन्करर नहीं था, वो इन्वेडर था। उसको देख के भी फिर अफसोस हुआ। उसको देख के इसलिए अफसोस हुआ क्योंकि ऐसा लगा कि यार लोग चीज़ों के मतलब का, चीज़ों का मतलब ही शायद ठीक से नहीं समझ पाते, और हिस्ट्री की नॉलेज तो खैर उन्हें है ही नहीं, और अपने आप को चीज़ों से या इवेंट से सेपरेट करके नहीं देख सकते। इस बात पे भी अफसोस हुआ। और वैसे मैंने इस पर बात नहीं करनी थी, लेकिन वो कमेंट देख के मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो कमेंट में सब लोगों ने ऑलमोस्ट ये लिखा हुआ था कि वो एक इन्वेडर था, वो कोई कॉन्करर या वॉरियर नहीं था। वॉरियर क्या होता है? वॉरियर, और मैं यहाँ कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, इसको सही गलत नहीं बता रहा। वॉरियर क्या होता है? वॉरियर वो होता है जो वॉर करे, बेसिकली सिंपल वर्ड की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तैमूर को आप, वैसे भी वैसे उसका नाम तैमूर कोई नाम नहीं है, तिमूर नाम होता है उसका, इंडियनाइज्ड वर्जन। जैसे हमने क्या कहते हैं वो मोमोज के अंदर हम पनीर भर देते हैं ना, वैसे हमने तिमूर को तैमूर बना रखा है इंडिया में। तो तिमूर नाम है एक्चुअली, सेंट्रल एशियन नेम है, टर्की ओरिजिन का, मंगोल टर्की ओरिजिन का कह लो। तो उससे हमारा या फिर किसी भी व्यक्ति का भेदभाव इस बात पे हो सकता है कि क्या उसके एक्शंस जो थे, उसने किए थे, वो मोरल थे या नहीं थे। और वो एब्सोल्युटली मोरल नहीं थे, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े 5 मास मर्डरर्स की लिस्ट में आता है। तो वो बंदा मोरल तो कैसे हो ही नहीं सकता। कोई भी इंसान अपने बेटे का नाम रख रहा है, उस इंसान की इग्नोरेंस की हदें समझने से बाहर हैं। बंदा अपने बच्चे के नाम रखने के लिए कितना सोचता है, इसकी हद नहीं है। इतने लोगों से ये सजेशन, वो सजेशन, ये वो, पर चलो ठीक है। अब उस उज़्बेकिस्तान में तिमूर नाम बहुत फेमस है, उनके लिए एक तरीके से, उनके हमारे यहाँ जितनी गांधी जी की इज्जत है, उतनी उज़्बेकिस्तान में तिमूर की इज्जत है। बट तो ठीक है, फिर अगर वो उन जिन्होंने भी रखा, उन्होंने जहाँ से प्रेरणा ली, उनकी अपनी समझ है। पर यार था वो वॉरियर और था वो कॉन्करर। उसका रीज़न ये है कि वो बड़े ही लो लेवल से उठा था। उसका बाप एक छोटा मोटा नोबल था, ठीक है, वो कोई रॉयल लीनियज से भी नहीं आ रहा था। और ये जो लीनियज का सिस्टम है ना, ये पूरी दुनिया में चलता है, ये आज भी एग्जिस्ट करता है।
आज भी ब्रिटिश मोनार्की के घर में जब शादी होती है ना, तो पूरी दुनिया कैमरा लगा के देखती है और पूरी दुनिया के लोग टीवी पे बैठ के देखते हैं, जबकि उनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है ब्रिटिश मोनार्की के पास, कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पावर भी नहीं है, पर हम देखते हैं एक रॉयल लीनियज की आज के दिन 21वीं शताब्दी में इतनी वैल्यू है। तो इसकी हमेशा से ही वैल्यू थी। ये जो जातिवाद जो हमने सोच रखा ना, सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करता है, ये पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है और आज भी एग्जिस्ट करता है और ये करता ही रहेगा। इसका क्योंकि बेसिक रीज़न है ह्यूमंस की इनबिल्ट इनइक्वालिटी उनके कैपेसिटीज़ के बीच में, और इस वजह से एग्जिस्ट करता है और ये करेगा। तो ये भावुक आप जितना मर्जी इसके बारे में हो सकते हो, तो वो था नहीं रॉयल लीनियज से, और वो रॉयल लीनियज के अभाव के होते हुए भी और एक बैकग्राउंड के ना होते हुए भी, पैसे ना होते हुए भी, कुछ ना होते हुए भी, उस बंदे ने वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर खड़ा कर दिया दुनिया में। तो वो वॉरियर कह लो, कॉन्करर कह लो, जो भी वो था, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो फैक्चुअली उस लेडी की, करीना कपूर की स्टेटमेंट ठीक है, और जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके स्टेटमेंट गलत है। अब आ जाते हैं कि तैमूर के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद ये सुन के सोचेंगे कि इंडिया में, क्योंकि हर चीज़ को मुस्लिम और एंटी मुस्लिम और हिंदू वर्सेज मुस्लिम के नज़रिए से देखा जाता है, जिन लोगों को भी तैमूर से इसलिए नफरत है क्योंकि वो मुस्लिम था, या फिर जिन लोगों को भी तैमूर से इसलिए प्यार है क्योंकि वो मुस्लिम था, वो और ज़्यादा हंसने वाली बात है। वैसे तो दोनों ही हंसने वाली बातें हैं। उसने सबसे ज़्यादा बंदे मारे ही मुसलमान हैं, और ये सबसे ज़्यादा ऐसे नहीं कि उसने 51% मारे, उसने 98% मारे होंगे मुसलमान। हिंदुस्तान में तो उसका एक छोटा सा एरिया में, उसका दिल्ली और पंजाब और हरियाणा का जो एरिया है ना, आज का जो इंडिया है, आज के इंडिया में दिल्ली और पंजाब के एरिया के आसपास का जो एरिया है, दिल्ली पंजाब हरियाणा यहाँ तक था बस, उसका जो थोड़ा मेरठ वेरठ के आसपास राज जितना उसका था इंडिया में, बाकी का इंडिया का टच भी नहीं, कोई आया ही नहीं उस उनके आसपास से वहाँ पे। आई मीन तैमूर की, तैमूर एम्पायर की बात हो रही है इस टाइम पे। बाद में ऑफकोर्स मुगल्स जो हैं वो वन ऑफ तैमूर के ही बच्चों की लीनेज में से निकल के आए हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की और उसके एक्शंस की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में तो उसने कुछ काटमार मचाई ही नहीं है यार, उसकी असल काटमार तो ईरान, जो आज का मॉडर्न डे ईरान है, आज का मॉडर्न डे, हाँ वो एरिया भी ईरान में ही लगता है, एक वर्ड है मुझे याद है, ख्वारिज्म नाम का एक अंपायर होता था पुराने ज़माने में, या ख्वारिज्म नाम की एक जगह थी, मॉडर्न डे ईरान के आसपास लगती है वो जगह, ईरान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उस एरिया में, आई थिंक आज भी ईरान के, जो मॉडर्न डे ईरान के बॉर्डर हैं उसके अंदर, या कैस्पियन सी के साउथ में, तो उस एरिए पे उसने, और आज मॉडर्न डे ईरान जो ओवरऑल है उस एरिए पे सबसे ज़्यादा मारकाट उसने मचाई यहाँ है। उसके बाद उसने जो ईस्टर्न एनाटोलिया है, जो टर्की का ईस्टर्न पार्ट है आज के मॉडर्न डे टर्की का, वहाँ पे मारकाट उसने मचाई, जो ऑटोमन एम्पायर था जो कि खड़ा होने लग रहा था, उसका जो उस वक्त का सुल्तान था बायजिद अल-दरम, उसको उसने हराया। इंडिया में भी उस वक्त जो ये तुगलक वगैरह थे इनको उसने हराया, ईरान के आसपास के, अपने सेंट्रल एशिया के आसपास के सबको उसने हराया। वो बेसिकली एक वॉनर भी चंगेज़ खान था, उसकी लीनिएज नहीं निकलती थी चंगेज़ खान वगैरह से, हालांकि उसकी कहते हैं कि दोनों तरफ से, मंगोल से भी और तुर्की से भी आती थी, बट रॉयल लीनिएज नहीं थी। बट उसको एक ख्वाब था कि मैंने जो मंगोल एम्पायर है उसको री एस्टैब्लिश करना है। जिस व्यक्ति ने भी मुस्लिम दुनिया में उसकी हिस्ट्री पढ़ी है वो उसको पसंद नहीं करते। इस जैसे लोगों को आपको वो मुस्लिम पसंद करते हुए दिखेंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जो बेसिकली बहुत ही लो समाज के हिस्से से आते हैं, जिनकी नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनको बस एक लड़ने वाला हीरो चाहिए जो उनके जैसे नाम का हो, बस, या नाम का हो या उनके जैसे, जिनको वो कह सकें कि भाई हम, जिससे इंस्पिरेशन ले सकें वो अपने, चाहे रिलीजन के बेस पे ही लें। वरना जो भी मुस्लिम्स भी हैं जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है वो उसको शायद सबसे ज़्यादा हेट करते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा तबाही मचाई। चंगेज़ खान, मंगोल, स्पेशली मंगोलों में चंगेज़ खान का भी जो पोता था हलागू खान और तिमूर, इन दोनों को गॉड की पनिशमेंट बोला गया है मुस्लिम्स के लिए, और ये उनके ही द्वारा बोला गया है।
इनके ही अरब स्कॉलर हैं, मुझे नाम नहीं याद, किसी का लिटरल स्टेटमेंट है एक बड़े फेमस अरब स्कॉलर का कि हमारे ऊपर जो दो भगवान ने सजाएं भेजी हैं उनमें से एक था हलागू और अगला ये, और हलागू खान की खुद की स्टेटमेंट है कि मैं गॉड की पनिशमेंट हूँ तुम्हारे लिए, गॉड की भेजी हुई पनिशमेंट हूँ तुम्हारे लिए। तो ये इसका रोल रहा है मुस्लिम वर्ल्ड में। तो जो लोग मुस्लिम होने की वजह से इसको प्यार करते हैं वो थोड़ा सा पढ़ लो भाई कि इस बंदे ने किया क्या है। जो लोग हिंदू हैं और जो मुस्लिम्स को पसंद नहीं करते इसलिए इसको डिसलाइक करते हैं, उन लोगों को ऐसे डिसलाइक ही करना चाहिए क्योंकि ये कोई लाइक करने लायक तो पर्सनैलिटी नहीं है। हाँ, केपेबिलिटी कॉम्पिटेंस उसमें बंदे का कोई तोड़ नहीं था। वो बंदा जो करना चाह वो एक मकसद में था अपनी लाइफ में, चाहे उसने जैसे भी किया हो, उसके जो जो दुश्मन भी हैं, जो उसके जो विरोधी भी हैं, उन्होंने भी जो उसके बारे में लिखा है, उसकी कॉम्पिटेंस के बारे में, उसकी अप्रिसिएशन ऑफ मेरिट के बारे में, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी अच्छी मतलब उसकी तारीफ ही की है उसमें कि भाई बंदे ने। और कोई भी बंदा जो इतने नीचे से आके इतना ऊपर और इतनी बड़े लेवल की चीज़ हासिल कर रहा है ना, वो बंदा कभी भी इनकॉम्पिटेंट तो हो ही नहीं सकता बायोलॉजिक, और वो इनकॉम्पिटेंस को लाइक भी नहीं करता होगा, ना प्रमोट करता होगा। तो यहाँ दो चीज़ें समझने वाली हैं। पहली बात, क्या उसके एक्शंस मोरल थे? नहीं थे मोरल। क्या वो कॉम्पिटेंट था, एक अच्छा जनरल था? वो ऑलमोस्ट कभी कोई वॉर नहीं हारा, ऑलमोस्ट। तो क्या वो अच्छा जनरल? कितने जनरल हैं जो ये क्लेम कर सकते हैं दुनिया में मिलिट्री हिस्ट्री में जो कभी भी कोई जंग नहीं हारे और ऑलमोस्ट हर बार आउट नंबर्ड थे? तो अच्छा जनरल तो भाई वो था, इन्वेडर था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसका मतलब ये, इन्वेडर का सिर्फ ये मतलब होता है जो डिफेंसिव वॉर नहीं लड़ रहा, ऑफेंसिव वॉर लड़ रहा है, सिर्फ इतना फ़र्क होता है इन्वेडर में। जस्ट बिकॉज हमने कहीं इन्वेड नहीं किया, इस चीज़ को आप ऑटोमेटिकली क्लेम नहीं कर सकते कि उसने क्यों इन्वेड किया। भाई वो ज़माना ही वो था, क्रूसेडर, यूरोपियन क्रूसेडर थे, उन्होंने हमला किया है, ब्रिटिशर्स ने हमला किया, चाइनीज़ लोग हमला कर देते थे इन पे। और स्पेशली जिस एरिया से वो आ रहा है सेंट्रल एशिया में, उज़्बेकिस्तान का जो है टर्किक बैकग्राउंड या टर्किक मंगोल बैकग्राउंड का जो एरिया है, उन लोगों की तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही इन्वेजन पे बेस्ड है यार। उनका तो प्रोफेशन ही वॉरफेयर है। लेट मिडिल एजेस में, मतलब 1000 सदी के बाद, 800 सदी के बाद, 800 ईस्वी के बाद से, CE के बाद से, अगर इस, और जब मॉडर्न टाइम स्टार्ट हुए हैं, जब मतलब साइंटिफिक वॉरफेयर शुरू हुई, गन पाउडर वगैरह आ गया, उस तक गन पाउडर घर पे लगा था, मतलब बेसिकली तोपें वगैरह और मॉडर्न तोपें जैसे कहते हैं गन्स वगैरह आ गई, उससे पहले तक यानी कि 1600-1700 तक का जो टाइम है, ये लगभग 900 साल का टाइम बनता है। इस पूरे टाइम में अगर कोई एक ग्रुप या दो ग्रुप जिन्होंने हर जगह मतलब मारकाट मचाई है, वो है ही सेंट्रल एशियन और मंगोल्स। मंगोल्स का एक छोटा सा पीरियड था, और इवन मंगोल्स की आर्मी में भी जो मेजॉरिटी फ्यूल ऑफ जो उनका जो वॉर मशीन थी, उसका जो मेजर फ्यूल था या जो मेजर सप्लाई थी, ह्यूमन सप्लाई, वो टर्किक लोग ही थे, क्योंकि मंगोल उतने ज़्यादा नंबर्स में थे ही नहीं। तो वही लोग कभी जो मंगोल्स ही होते थे वही टर्कीफाइड हो जाते थे, वही जो टर्की को होते थे वही मंगोलॉइड या मंगोल उस सिस्टम में हो जाते थे। फॉर एग्जांपल तैमूर के बारे में कहा जाता है कि इसने अपनी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ मंगोल लॉ और सिस्टम के हिसाब से जी है, जो एक लाइफ जीने का तरीका होता है उस हिसाब से जी है, क्योंकि उनको आदर्श मानता था अपना, चंगेज़ खान को अपना आदर्श मानता था। उसकी लीनियंस से आती हुई एक लड़की है, उससे इसने शादी की थी, आई थिंक वो सेकंड शादी थी उस लेडी की, बट की इसने शादी। तो ये तो इस बंदे की बात, मतलब ये एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, उसकी बात हो गई। और अगेन इसके बारे में, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि लोग इसे पसंद नहीं करते होंगे इसकी हरकतों की वजह से, तो आप उज़्बेकिस्तान में चले जाओ। उज़्बेकिस्तान में शायद सबसे ज़्यादा लाइक्ड और अडोर्ड और एडमायर्ड हिस्टोरिकल फिगर है ही ये बंदा, तैमूर लेन, ये जो भी इसका नाम है, अमीर तैमूर कहते हैं, मुगल्स कहते थे हम अमीर तैमूर की, वो हैं मतलब नस्ल से हैं। और अमीर एक कोई राजा का टाइटल नहीं है, थोड़ा हम्बल टाइटल होता है अमीर, मतलब क्योंकि वो राजा बन ही नहीं सकता था, उसका लीनियज ही नहीं था उस चीज़ का,
उसके पास रॉयल लीनियज नहीं था क्लेम करने के लिए थ्रोन, बट डिफैक्टो रूलर था वो। तो ये हो गई इस बंदे की बात। तो जो लोग कमेंट में कर रहे थे उस टाइप के या वैसी सोच रखने वाले लोगों के लिए मैं क्लैरिफाई किया मैंने इतना। अब कर लेते हैं थोड़ी सी एक मिनट के लिए करीना कपूर जी के ऊपर बात जो उन्होंने कहा। अब देखो यार, एक जो एक्टर होता है ना, कायदे से होता तो वो एक डिटेक्टिव स्लैश साइकोलॉजिस्ट है, क्योंकि आपको अगर एक एक्टिंग का एक रोल असाइन हुआ है तो सबसे पहला आपका काम होता है ये देखना कि आपको उस कैरेक्टर के बारे में क्या पता है और आपको क्या नहीं पता। जो आपको पता है उनको आप लिस्ट बनाते हो, जो आपको नहीं पता आप वो क्वेश्चंस की लिस्ट बनाते हो कि मुझे क्या क्या नहीं पता, इसकी एज पता है कि नहीं पता, इसका बैकग्राउंड पता है कि नहीं पता, इसका फाइनेंशियल सिचुएशन पता है कि नहीं पता। जब वो आपके पास जितने क्वेश्चंस आप इकट्ठे कर सको वो सारे कर लो, और फिर जब उनके आंसर आप ढूंढ लो, इस तरीके से कैरेक्टर बिल्ड होता है। सिर्फ लाइनें नहीं रटनी होती, क्योंकि जब फिर आपको पता चलेगा ना कि वो बंदा कहाँ से आ रहा है, किस माइंडसेट से आ रहा है, उसके एक्शंस क्या हैं, के पीछे की जो मोटिवेशन है वो क्या है। इतनी अच्छी स्टडी, इतनी डिटेल स्टडी ज़रूरत होती है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए कायदे से। पर हिंदुस्तान में प्रॉब्लम यह है कि आपके बाप और आपके खानदान अगर किसी भी इंडस्ट्री में रहे हो तो बस आप घुस जाते हो उसमें ज़बरदस्ती, और उसमें बेइज्जती हो रही है, लोग गालियाँ दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे बनते रहते हैं। वो इनके साथ किया है, तो इनसे अगर आप कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो ये गलती आपके एंड पे है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन को किस तरीके से निभाया अपनी लाइफ में वो आप इनको देख लो। कोई एक देखने लायक एक्टिंग करी हो किसी एक मूवी में तो आप वो देख लो। तो जो अपने खुद के प्रोफेशन के प्रति वफादार नहीं है, ज़िम्मेदार नहीं है, उनसे आप किसी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की बात ही क्या कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो इंसान क्या कह रहा है। और अफसोस इसलिए है थोड़ा बहुत, अगर है भी कि अकेले का तो उसका डिसीजन नहीं होगा उस लेडी का इनाम रखने का, जो और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे, तो एक कलेक्टिव हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग इन इस उन सारे लोगों में क्या होगी जिन्होंने ये नाम रखने का डिसाइड किया होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम पे आपने नाम रखा है वहाँ पे ना सल्तनत के लिए अपने बाप को भी कत्ल कर देना बहुत नॉर्मल है, अपने भाई को भी कत्ल कर देना बहुत नॉर्मल क्या है, होता ही था। अब ये उनकी कॉम्पिटेंस की वो मान लो आपकी, इनकी कॉम्पिटेंस का तरीका ये था, कॉम्पिटेंस उनके वहाँ का UPSC यही था कि कत्ल कर दो अपने भाइयों ही सबको। औरंगज़ेब ने अपने बाप को जेल में डाला और अपने भाई का सर काट के अपने बाप को भेज दिया गिफ्ट के तौर पे। उसी खानदान से आ रहा है, तैमूर के ही खानदान से आता है और वहीं के ये काम है। अगेन मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा, ये एक सर्टेन संस्कृति है। सेंट्रल एशिया के उस वक्त के लोगों के यही काम होते थे, क्योंकि यही वक्त का कायदा था, वक्त का कानून था। तो आप रख लीजिए नाम, क्योंकि कुछ लोग जिस एक बार को अगर बंदा ये सोच के माफ़ करने की सोचे, माफ़ क्या करना है, लेकिन ये सोचे कि डाउट ऑफ बेनिफिट या बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे कि चलो यार उसको पता नहीं होगा, कॉन्करर भाई कॉन्करर चाहिए इनको। उस बंदे ने लगभग 2 करोड़ बंदा मार दिया यार, सोच के देखो आप। खैर एनीवे, बात को लंबा खींचने का फ़ायदा क्या है।